हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव। 2020 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए आज हम लोग सीबीएसई के द्वारा जारी इंग्लिश के सैंपल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिससे कि आप लोग को आइडिया मिल सके कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इंग्लिश पेपर में रहेगा और आप अधिक से अधिक मार्क्स ला पाओ। इससे पहले मैंने साइंस, सोशल साइंस और मैथ से ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि हमारे क्वेश्चन पेपर में तीन सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो हम जानते हैं कि सेक्शन ए हमारा रीडिंग सेक्शन रहता है, जिसमें कि पैसेज इसमें दिया रहता है और पैसेज पढ़ के हम लोग को आंसर देना रहता है। तो इस पैसेज को मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। अगर इसका आंसर चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा इसके आंसर की का, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में आप लोग को डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को आगे हम लोग और देखते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि इस बार से हर सब्जेक्ट्स में 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 10 वन मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया गया है। तो हर सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा, 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस और 10 वन मार्क्स के क्वेश्चंस रहेगा ही, ये फिक्स है। तो इसमें भी इंग्लिश में भी आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं पैसेज है और पैसेज के साथ यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आगे और भी जो क्वेश्चंस है उसको मैं आप लोग को दिखाते जा रहा हूँ। तो पहला पैसेज खत्म हो चुका है, ये दूसरा पैसेज है द रोड टू सक्सेस के बारे में, ये दिया गया है। तो इस पैसेज को भी आप स्क्रीनशॉट करके रख ले, मैं यहाँ से पूरे पैसेज को आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है, देख सकते हैं कि यहाँ से अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो ये सब सारा क्वेश्चन है और फिर इधर हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन दिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में सेक्शन ए से रहेगा। अब इसके बाद सेक्शन बी हमारा आता है, जिसमें राइटिंग और ग्रामर रहता है। तो राइटिंग और ग्रामर में जो प्रीवियस हमारा सिलेबस था बिल्कुल वैसे ही सिलेबस है। हम लोग को एक लेटर राइटिंग लिखने के लिए आ सकता है, आर्टिकल लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है। अगर आपने इंग्लिश का सिलेबस नहीं देखा हुआ होगा तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी जाके देख सकते हैं राइटिंग और ग्रामर के सिलेबस को। तो यहाँ से बस मैं आप लोग को क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, सिलेबस राइटिंग और ग्रामर सेक्शन का चेंज नहीं हुआ है, प्रीवियस सिलेबस ही है। तो इसलिए मैं इसको बस आगे कर दे रहा हूँ, आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपके बोर्ड में ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स आ सके। इसके बाद सेक्शन सी आ चुका है, लिटरेचर। अब लिटरेचर में किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, तो लिटरेचर से भी हम लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दो एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है और फिर यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक्स वन मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश पेपर में रहेंगे। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सीबीएसई बोर्ड के लिए तैयारी करवाई जाएगी और आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो इतने ही क्वेश्चंस हैं, बस इतने ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।